विवेक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। रात के लगभग 1:40 हो रहे हैं, 24 तारीख लग चुकी है और हम खड़े हैं मुमरा बाईपास पर। क्यों खड़े हैं? तो 23 तारीख को शाम में मुमरा बाईपास पर जो अक्षय शिंदे का इनकाउंटर हुआ है, बदलापुर स्कूल यौन शोषण कांड का मुख्य आरोपी, उसका जो एनकाउंटर हुआ है, तो इसमें हम अब आपके सामने बेहद चौंकाने वाला खुलासा ला रहे हैं। सबसे पहली बात कि हमने पहली खबर में आपको बताया कि बताया जा रहा है वाई जंक्शन के पुल पर, ब्रिज पर ये सब कुछ झड़प और एनकाउंटर का मामला हुआ है, लेकिन हमने उस खबर में भी कहा था कि कहा जा रहा है, मगर इसी जगह इसी घटनास्थल पर अक्षय शिंदे ने पुलिस के वैन में रिवॉल्वर छीनने की, फायर करने की, फिर पुलिस द्वारा जवाबी फायर करने की, जो कुछ भी एनकाउंटर की ये कहानी सामने आई है वो यहाँ नहीं हुई है। तो ये पूरी घटना कहाँ हुई है, आइए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, ये मुमरा की तरफ जाने वाला हिस्सा है। अब घूम करके हम आपको बताएंगे कि ये देखिए, शील फाटा से आप मुमरा बाईपास जो जुड़ते हैं या वो शील फाटा के नए ब्रिज से होते हुए आएंगे, तो फिर ये खड़ी मशीन फकीर शाह दरगाह वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो झरना है, इस तरफ मैं आपको बताऊं कि ये झरने वाला हिस्सा है और उस झरने के करीब में ही एक ट्रैफिक की पुलिस चौकी भी है और जस्ट उससे एक 100 कदम आगे जो है ये घटनास्थल है। और इस घटनास्थल पर हमें क्या मिला, हमें ये घटनास्थल कैसे पता चला, तो इस घटनास्थल का हमें पूरी जानकारी मिली एक इस झड़प और कथित एनकाउंटर के गवाह के फोन कॉल द्वारा। क्या बातचीत हमारी हुई है वो हम आगे आपको बताएंगे खुलासे से, हमारी बातचीत में भी बताएंगे और वो ऑडियो भी आपको सावधानी बरतते हुए उस गवाह की पहचान गुप्त रखते हुए बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको घटनास्थल बता दें कि घटनास्थल में आप देखिए कि यहाँ पर खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये खून का यहाँ पर धब्बा है, फिर यहाँ पर धब्बा है क्योंकि आती जाती गाड़ियों से टायर इस पर से चले गए हैं, मिट्टी लग गई है, ये धब्बा है। और इस धब्बे के आगे, ये दो धब्बों के आगे आप देख सकते हैं, पूरे यहां पर आपको खून के धब्बे लगातार नजर आएंगे। ये भी खून है और ये भी खून है, तो ये तमाम धब्बे यहां पर खून के लगे हुए हैं। और ये धब्बे जो है, शाम को प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने, जिसकी कार पुलिस वैन के ठीक पीछे थी और उस वैन से इस प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने ये घटना जो है वो महसूस की है, क्योंकि बंद गाड़ी में हुई है। प्रत्यक्षदर्शी गवाह का जो कॉल पर हमें सनसनीखेज खुलासा है, उसमें बताया गया है, उसका कहना था कि पहली आवाज़ आई तो उसे लगा कि गाड़ी का पाटा टूटा होगा, लेकिन उसके बाद दूसरी और फिर लगातार तीसरी आवाज़ आई, यानी कि कुल 3 गोलियां चलने की आवाज़ें उस गवाह ने सुनी जो पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी के अपनी कार लिए हुए था। और ये गवाह क्या हमें बता रहा है वो ऑडियो हम सावधानी बरतते हुए उस गवाह की पहचान गुप्त रखते हुए आपको सुनाएंगे कि अक्षय शिंदे, बदलापुर यौन शोषण कांड का मुख्य आरोपी, पर्दे लगे हुए गाड़ी में, पुलिस जब जेल से किसी आरोपी का ताबा लेती है अपनी वैन में, अपनी जीप में, किसी भी गाड़ी में उसे लाती है, तो उस गाड़ी में पर्दे कभी नहीं लगे हुए होते हैं, आज तक कभी नहीं देखा गया है। तो ये पर्दे लगाने का मामला क्या है, सबसे बड़ी शक वाली बात यही पैदा हो रही है। और प्रत्यक्षदर्शी गवाह बता रहे, कुल 3 आवाजें उन्होंने गोलियां चलने की सुनी, 3 फायरिंग हुई है और वो ये घटनास्थल है। खून के धब्बे हम आपको दिखा चुके हैं। अक्षय शिंदे एनकाउंटर, कथित एनकाउंटर कांड जो है वो वाई जंक्शन ब्रिज पर नहीं हुआ है, वो मुमरा बाईपास पर ही हुआ है। खड़ी मशीन फकीर शाह दरगाह से बाईपास का जो हिस्सा सटा हुआ है, झरने का हिस्सा है, उससे चंद कदम दूरी पर है। तो ये था हमारा अक्षय शिंदे की झड़प और कथित एनकाउंटर की कहानी में चौंकाने वाला खुलासा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपको एक व्हाट्सएप डाला था मैंने, लेकिन बाद में डर गया और उसको डिलीट मार दिया। अच्छा, क्यों? क्या है ना, वो जो अक्षय शिंदे का जो मर्डर हुआ है ना, वो उसके पीछे मेरी गाड़ी थी। अच्छा, मेरी फट गई तो मैं बाद में फिर कुछ नहीं कर पाया, मतलब आपको बोलता हूँ फिर बाद में बोलो कुछ गलत मैसेज ना चला जाए, मेरे पीछे लगेंगे।
अच्छा, तो वीडियो था क्या आपके पास? नहीं नहीं, वीडियो तो नहीं था। मैं और मेरा सालाम रैली में जा रहे थे, अपने इसके ऊपर, अपने बाईपास पे, मुमरा बाईपास पे। तो वाई जंक्शन ब्रिज पे थे। हाँ, वहाँ से जा रहे थे वाई जंक्शन पे। हम लोग बाद में पहुंचे इसका सब टिंग टोंग सुनने के बाद। अब अपने मुमरा का पहाड़ चढ़ते है ना, तो अपने पीछे आगे मतलब पीछे से ओवरटेक करके आई थी उनकी वैन। उसमें ऑलरेडी उन्होंने पर्दे लगाए थे सब यहाँ से। अच्छा, तो पहले उसकी गाड़ी उछली तो ठक कर क्या आवाज आया, हमको लगा गाड़ी का पाटा बजा गया। सेकंड आवाज आई तो मैं थोड़ा डर गया, बोला कुछ तो इश्यू होगा। और वो पुलिस वाले ने भी गाड़ी रोकी, वो बाहर आए, उसने दरवाजा खोला, दो पुलिस वाले शायद कुछ उतरे, वापिस उन्होंने बंद किया और वापिस चले गए। फिर तीसरी आवाज आई। अच्छा, तो हम लोग डर गए। फिर मैं ओवरटेक मार के भाग गया, वो कलवा की तरफ घुस गए, हम लोग अपने टी जंक्शन की तरफ चले गए। अच्छा, अभी आपसे भी बात करने मेरी पड़ रही है, बोलो आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम होने की है। यानी कैसा होता है अभी, ऐसा समझो कि एक आपके 20 हाथ के ऊपर गाड़ी है, और वहाँ पे हमको पहले ऐसा लगा कि गाड़ी का पाटा बजा गया, गाड़ी उछलती है ना, ठक करके, फिर सेकंड ठक करके, एंड देन फिर तीसरा ठक, और गाड़ी को सब पर्दे लगाए थे। मेरा साला भी डर गया, बोले भाई जान चलो यहाँ से, अभी मोबाइल वोबाइल अपना चालू नहीं था, हम तो बस रैली में जा रहे थे, तो बोला सुकून से चलो चुपचाप। और उसके बाद जब मैं हम लोग आए यहाँ पे, अभी मोबाइल चेक किया तो पता चला कि उसी न्यूज आ रही है अक्षय शिंदे की। हाँ, तो फिर मैं बोला यार किसको पता है, तो बोला चलो अभी आप पे भरोसा, मैं आपका फॉलोअर भी हूँ, मैसेजेस भी डालते रहता हूँ आपके इसके ऊपर। मैंने यही व्हाट्सएप, मतलब मेरी वॉइस ही डाला था कि भाई अक्षय शिंदे का मर्डर मैंने देखा, लेकिन मैंने बाद में डिलीट मार दिया। अच्छा, आपने फोन नहीं उठाया ना? नहीं, तो ऐसे कोई डरने वरने वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि जानबूझ के अपने रैली के टाइम पे उसको मारा है पुलिस वालों ने। पता नहीं, देखो आपको कैसे बेहतर लगता है इंक्वायरी, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज है ना उसकी, वहाँ पे कैमरे तो होंगे ना, सीसीटीवी कैमरे? नहीं नहीं, कोई सीसी नहीं है उधर, ऊपर पहाड़ की तरफ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, जब दरगाह वरगा नहीं नहीं, पास भी नहीं लगाया उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, अब वो लोग स्पॉट कहाँ बता रहे मालूम है तुम्हारे को, वाई जंक्शन का जो ब्रिज शुरू होता है ना नया वाला, हाँ वो ब्रिज के शुरू होने के थोड़ा आगे। नहीं मैं बताता हूँ किधर हुआ एक गाड़ी, ये अपनी दरगाह है ना, जब डैम था छोटा सा वो। अच्छा, रईस बाबा की दरगाह? हाँ, वहाँ से थोड़ा नहीं, अपना फकीर शाह बाबा की दरगाह, फकीर शाह बाबा। हाँ हाँ हाँ, वहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे ना, तब ठक करके आवाज आई। तो मुमरा जाने की तरफ के शील फाटा जाने की तरफ? मुमरा से अपन आते हैं ना यहाँ पे जाने के लिए कलवा की तरफ ऊपर से। हाँ हाँ, मतलब आप शील वाई जंक्शन से कौसा से होते हुए मुमरा थाना जा रहे थे? हाँ, हम लोग मुमरा थाना जा रहे थे ऊपर से। हाँ, वहाँ उस तरफ से जा रहे थे, और वो लगभग दरगाह पार करने के बाद वो पीछे से ओवरटेक करके आई थी गाड़ी। थोड़ा नॉर्मल स्पीड पे था तो उछल रहा था, हम स्लोली जा रहे थे, फास्ट नहीं जा रहे थे, तो उछला, तो मुझे लगा पार्टी की आवाज आई होगी। फिर एक आवाज के बाद दूसरी आवाज आई, पुलिस वाला उतरा, नीचे आया, पीछे आया, उसने देखा तो दो पुलिस वाले उतरे, वर्दी में नहीं थे, सब इसमें थे, बिना वर्दी वाले, सिविल वाले थे। तो उन्होंने वापस दरवाजा बंद किया, उनके पास वो चाबी भी रहती किसी अलग तरीके की, वो बंद किया, फिर गाड़ी आगे लेके गया। फिर तीसरी आवाज आई, वो गाड़ी लेके गया, और अपना जहाँ पे ब्रिज खत्म होता है ना, रेलवे के ट्रैक के पास, मालूम है रेलवे के ट्रैक क्लोज आता है, वो ब्रिज खत्म होता है, वहां थोड़े से रुके वो, और हम लोग आगे से आईने में देख ही रहे थे। अच्छा, बाद में मेरा ताला बोलता भाई जान भागो, कुछ रहेगा अपने को भी लपेट लेंगे, तो हम लोग आगे निकल गए, और वो उधर घुस गए इसमें कलवा की तरफ अपना। अच्छा, इसमें से जाता ना कलवा के अंदर से जो रोड जाता है। हाँ, उसके अंदर वो लोग घुस गए गाड़ी लेके, बाकी गाड़ी को बाकायदा पर्दे वर्दे एकदम लगा के बैठे थे, हमको तभी कुछ लगा, बोले दाल में कला भागो यार। अच्छा अच्छा, हाँ, तो बोला अगर आपको कुछ उसका बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप बोल सकते हो ना कि भाई यहाँ पे, अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे निकलेंगे, क्योंकि उनकी गाड़ी आ रही है और लगभग हमारी गाड़ी आगे पीछे ही देखता हूँ उधर मैं, जो सपोर्ट तुम बोल रहे हो तो उधर शायद फिर वो जरूर ने सीसी वगैरह लगाया होगा तो मालूम पड़ जाएगा।